आइए हम आपको ऐसे सेंटर पर ले चलते हैं जहां पशुओं के कान के टैगिंग की प्रक्रिया जारी है। हम स्टेप बाय स्टेप टैगिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले जिस पशु की टैगिंग करनी है उसको किसी ऐसे व्यक्ति के सहयोग से जिसे पशु पहले से जानता हो पकड़ेंगे और पशु के सिर को इस तरीके से रखेंगे कि वो इसे हिला न सके। कान के उस हिस्से को जहां टैगिंग की जानी है किसी शक्तिशाली कीटाणु नाशक से साफ करें। इस्तेमाल किए जा रहे टैग को भी कीटाणु नाशक के घोल में डुबाएं। यह घाव को भरने में सहायता करता है। उपयोग किए जा रहे टैग के प्रकार के लिए उपयुक्त टैग एप्लीकेटर का उपयोग करें। बहुत ही सावधानी से टैग लगाने वाली मशीन का इस्तेमाल करें क्योंकि यह बहुत तेज होता है एवं पशु को पकड़ कर रखने वाले को एवं पशु को नुकसान पहुंचा सकता है। लीवर को दबाकर क्लिप के नीचे टैग या यूआईडी लगाएं। यूआईडी के छिपे हुए हिस्से की तरफ एक गांठ है। टैग की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि गांठ एप्लीकेटर के खुले सिरे से बाहर की ओर निकले। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप टैग का गलत प्रयोग हो सकता है। पिन पर मेल भाग को स्लाइड करें। यूआईडी टैग के साथ विशेष लंबे तने वाले मेल भाग का प्रयोग करें। टैग को जहां से कान सिर से जुड़ता है वहां से कान के आखिरी टिप के बीच एवं कार्टिलेज के बीच की जगह में बीचों बीच रखें। टैग को मजबूती से लगाएं। हमेशा मेल टैग कान के पीछे या बाहर से प्रवेश करता है। टैग जल्दी और बिना किसी हिचकिचाहट के कान के नीचे वाली जगह में रक्त वाहिकाओं से अलग लगाएं। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए जहां टैग लगा है उस जगह पर एंटीसेप्टिक एजेंट लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि टैग सही ढंग से लगा है और इसका जानवर के व्यवहार पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैग लगाने के बाद किसी भी संक्रमण के मामले में तत्काल उपचार के लिए एक स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क करने के लिए कहें। यदि ईयर टैग गिर जाता है तो 10 दिनों के भीतर एक नया ईयर टैग लगाएं एवं इसकी सूचना को तुरंत INAPH में अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय केंद्र पर जाएं। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जनहित में जारी।